इश्क में जो भी कामयाब हुआ फिर वो मकरूज बेहिसाब हुआ, बातें हर दौर में सुनी हमने, दर हकीकत ना एहतसाब हुआ। अब भी कोशिशें की जा रही, आ रहे हैं वासे चौधरी। देखते हैं आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या आज हमें पूछना चाहिए कैसे हैं आप? क्यों, हमेशा आप ही पूछते हैं है ना, और आज तो माशाल्लाह गैर जरूरी मशवरा देने वाले मुशीर लग रहे हैं आप। अरे वाह, राणा सनावला साहब से अनबन हो गई। अच्छा, उन गंदे ने आपकी क्या मूछे हैं जो नथु लाल की? उस्मान मजदार साहब नु जाके कहंदे ना गल्लां भी करया करो, चुप नु ए नहीं जे मनदे। इस तरह के मशीर चौधरी परवेज लाई साहब नु जाके आ रहे होंदे ने, सारी फैमिली ने मरी जाना, 1122 मिल जाएगी। अच्छा, एक दफा फयाज़ुल हसन साहब से भी कह रहे थे, यार ये हरीम शाह नाल मेरी टिकटॉक बन सकती। इमरान खान साहब नू जाके कह रहे ने, क्या कहंदे, अगर नून लीग ज्वाइन करनी तो मियां साहब नाल गल करा। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं पंजाब के अंदर और साथ ही साथ चेयरमैन फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी हैं, मोहम्मद लतीफ नजर। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जो कि फिल्म मेकिंग पढ़ के अब मॉडलिंग कर रही हैं, मोहतरमा बीनिश मंजूर। वेलकम टू द शो जी, माशाल्लाह। चलिए साहब, एक बात आपके सामने पेश करता हूं। COVID-19 भाई कई महीनों से हमारा जानी दुश्मन है। हाय, बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो पीटीआई के गले में पड़ गया है, आंखें बंद कर कहीं नूनी सियासत ने इसे रिश्वत न दे दी हो। हकूमत सोचती है मगर कहती है डर डर के। हाय हाय, न ठा न टेच हुंदी है। हाय हाय, न ठा न ठा ना टिच हुंदी है, अख ते अख दे विच हुंदी है। ते मकना तीस ते चीज ही कोनी, लीडर दी जेड़ी खिच हुंदी है। धीरे धीरे उसने अपने पास बुलाया था, मैं सो गया तो उसने कंधा पकड़ कर हिलाया था। ये जो खान साहब को कोरोना हुआ था लतीफ भाई, उन्होंने पीडीएम के बंदे से हाथ मिलाया था। वाह वाह जी, लतीफ साहब क्या हाल हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहली बार शो पे तशरीफ ला रहे हैं? जी बिल्कुल, पहली दफा। क्या सुना आपने शो के बारे में, कोई दोस्तों को बताया आने से पहले? जी यकीनन, अभी बात हो रही थी जी। बड़ा माशाल्लाह, एक तो देखने का भी इत्तेफाक होता है, मैं समझता हूँ बड़ा मजाया प्रोग्राम है आपका, लोग महजूज होते हैं इससे। और यकीनन हमारे बहुत सारे कोलीग्स फैसलाबाद से, क्योंकि मेरा तल्लक है यहाँ आए हैं, बड़ी आपकी तारीफें करते हैं। मैं तो शाही था, मैं मुझे तो जूते मारेंगे, मैं तो जाना नहीं चाहता, शायद इसी वजह से मैं तो अभी। आप शाही हैं तबीयत से? शायद। क्यों जुगतों से घबराते क्यों हैं? उसी क्यों घबराते हैं जब इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है? लेकिन जुगतों से घबरा जाते होंगे। तो आप घर बता कर आए ना? यकीनन। आज तो पहचाने नहीं गए अंदर बड़े हो, तो ड्रेसिंग ही क्या बात है, मैं समझा रंग वाले आ बड़े। रंगों के बड़े शौकीन हैं, अपना भी कलर देखे ना इन्होंने, कितना वो पहना हुआ है, डार्क है, पूरे सेट को मैच कर रहा है। नहीं, ये तो इन्होंने इसलिए पहना हुआ है कि इनका एक ख्याल है कि शायद ये रंग पहनने से ये सेट के अंदर घोल मिल जाएंगे और ये कुछ नहीं बोलेंगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये पता है कि ड्रेस को कहते क्या है? ये नहीं पता, ये पता हूं ना, मैं गाली नहीं सुनता। अच्छा, तो आपको पता है? हाँ, मुझे पता है। आप बताइए इनको क्या कहते हैं? जंपसूट। तो आपको पता है कि जंपसूट क्या होता है? जंपसूट, जंप लाई दे जी भागे। नहीं, यही मुझे शक था कि आप ऐसा ही सोचेंगे कि जिस सूट को पहन के जंप लगाई जाती है वो जंपसूट नहीं कहलाता। ये एक स्टाइल है, जंपसूट है तो स्टाइल, नो डाउट।
लेकिन जो रंग वाले होते हैं ना उनका भी ड्रेस कुछ ऐसा ही होता है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, आजकल आप देख रहे हैं कि हर किसी चीज को ना वो स्टाइल में ले आए हुए हैं, चाहे वो किसी फकीर ने पहना हो, चाहे वो पेंट करने वाले ने पहना हो, चाहे किसी प्लम्बर ने पहना हो, मतलब इन सबको एज एन स्टाइल ले आए हुए, फैशन में ले आए हुए हैं कि ये चीजें भी कंसिडर की जा सकती है फैशन में। आप आमतौर पर तैयार होने से पहले कितना टाइम लगाती है ये सोचने में सारा कुछ की क्या स्टेटमेंट देगा? लिटरली बताओ, सच बात बताओ, मुझे लगता है मेरी बात से एग्री करेंगे, मैं तैयार होने में बहुत कम टाइम लेती हूँ। कम से कम हाफ एन आवर, हाफ एन आवर तैयार होने में लेती हैं। और ये कपड़े सोचना कि आज क्या कपड़े पहनने? नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब वार्डरोब खोला, कुछ भी अच्छा लगा बस पहन लिया। अच्छा, कोई मैंने कुछ इतना नहीं सोचना पड़ता मुझे, मतलब जो स्टाइल स्टेटमेंट होती है ये ऐसे ही बन जाती है? नहीं, खुद ही हो जाता है। आधा घंटा लगाती हैं आप तैयार होने में? आधा घंटा। आधा घंटा, अच्छा सर आप कितनी देर लगाते तैयार होने में? 5 मिनट। ये आपको कैसे पता है कि 5 मिनट लगाते हैं? एक्चुअली लोग, लड़के मेरे, अपने भाई, मेरे फादर जो है, मतलब वो तो 5 मिनट से भी कम टाइम। इनकी बात मेरा हरद ना करें, ये ठीक है। आप कितने, आप बताइए कितनी देर? इतना टाइम ही लगता है, 5 मिनट लगा। अगर कपड़े आपने खुद इस्त्री ना करने हो तो फिर इतने लगते। वैसे आपको क्लियर करता चलूं, जरूरी नहीं है कि हर मर्द जो है वो 5 मिनट लगाता हूं। कितना टाइम लेते हैं? मैं तो छोड़े इनसे पूछे तो, ये कितनी देर लगाते हो बेटे? आधा घंटा। तो आधा घंटा, ये देखें आधा घंटा, मतलब ठीक है, मतलब लड़के तो और भी ज्यादा टाइम है। इनको 5 मिनट लगते हैं, उनको आधा घंटा, इनको 20 मिनट, मुझे 15 मिनट। इन्होंने तो गिली टाकी मारनी है। उनकी शायद वो नल में पानी कम आता होगा, इससे आधा घंटा। नल में पानी कम आता है इससे? अच्छा, जूतों से खुद डर रहे थे और मार रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। सारे जुगत बेचते थे, उन्होंने टिकट मिले। अच्छा मैं आपको ये बात बताऊं, बार बार फैसलाबाद का जिक्र करते हैं तो कैसर भी उधर सही है, हमारे से कुछ ने तो लेक्चर ला लिया, कुछ आपके थिएटर में काम कर रहे हैं। आपकी पहली मुलाकात है इनसे जी, और ये वैसे ही है जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, क्या डिफरेंट है इनमें? जो मतलब मैं पॉलिटिशियन देखती हूं वो बड़े शार्प लगते हैं। अच्छा, ये शार्प नहीं लग रहे? नहीं, बस सादे। आप मजाक की हद तक लें तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज मैं समझता हूँ हमारी सियासत का अलमिया भी यही है कि हमारे में वो लोग सियासत में आ गए जिनको आप देखते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, वो अवाम में से नहीं है। हमारा आज का कल्चर है बहुत सारी बड़ी गाड़ी हो, उसके साथ 5-7 गनमैन हो, और अजीब किस्म का गेटअप हो, तो वही सियासतदान तो लगता है। लतीफ भाई ये बताएं कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। गनमैन ने इन्हां नूं रखे है। अच्छा, बात कर रहे हो यार, बात इनकी ठीक है। मेरे हल्के के जो वोटर हैं वो गरीब आदमी को, चौकीदार को, मालिक को, गनमैन भी होगा, मुझे तो उन्होंने रखा हुआ है। मुझे बताएं कि क्या आप देखिए, मैं ये समझता हूँ आप आके अंदाज़ा हुआ है, जो आपके साथ कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ सलाहियतें ऐसी होती हैं, ख़ास तौर पर सियासत की जब मैं बात करूँगा और हमारे जैसे मुल्क में, तो लीडर तो वो ना चाहिए इसी का दुख समझता हो। तो मेरी क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई नहीं थी, मिडिल क्लास से मेरा तल्लक है, मैं 7 महल के घर में रहता हूँ। हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप MPA भी हैं? जी मैं MPA भी हूं। FDA के चेयरमैन भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं इसका तो FDA के चेयरमैनशिप की जब बात करते हैं वो तो मैं उसका क्रेडिट देता हूँ अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। हर हवाले से लोग तो कहते हैं यहाँ टिकटें बिकती हैं, मेरे जैसे बंदे को उन्होंने टिकट दी, फिर अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, और फिर मुझे FDA की चेयरमैनशिप उन्होंने दी। तो मेरी तो कोई सिफारिश नहीं थी, कोई मेरे पास पैसा नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह करे ये वक्त आए कि वो लोग सियासत में हैं जो वाकई इस निज़ाम से तंग हैं और दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझें। मगर लतीफ़ भाई ये जो बात कर रहे थे, ये गनमैन, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी क्रूजरें हैं, ये सब एक कल्चर है? आपने पिछले दिनों देखा, एक सोशल मीडिया पे बड़ी वो चल रही थी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, वो साइकिल पे अपनी शॉपिंग कर रहा था। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन किस खाते में पड़ते हैं? सर उन्होंने पूछा कि साइकिल से शॉपिंग क्यों कर रहा है, कहता गड्डी तेरी परजाई लेके गई हुई है। ये मजा नहीं थी बात में, ये कर रहा था कि जो आपने जो कल्चर मुतारफ करा दिया गया कुछ सालों से, ये तो यही शायद मेरे ख्याल बुनियादी वजह है कि जो आप नतायज चाहते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे। आप चले एक एक्सेप्शन है कि आप बीच में हैं इस तरह के खड़े हुए और आपको चांस मिल गया, मगर आसपास आप देखते हैं, आप ही जाते होंगे असेंबली के अंदर, वहां पे मेला लगा होता है पूरा ऐसे लोगों का। मैं तो अक्सर जी एक बात करता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि एक ऐसा बंदा जिसने अपने पेरेंट्स की भी खिदमत नहीं की होती, वो बहन भाइयों का भी हिस्सा अपने नाम करा जाता है, वो कहता है जी मैं ये 1-2 लाख के वोटर का मैं मसीहा साबित होऊंगा, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। देखे ना, पॉलिटिशियन है कौन? हम नुमाइंदगान हैं आवाम के, हमें गरीब लोग, वो इन मदारों से तंग आ गए, कोई थानेदार से तंग आ गए, कोई पटवारी से तंग आ गए, फिर उन्होंने हमें चूज़ किया।
लेकिन बदकिस्मती से जूं ही हम अपनी सीटों पे आके बैठते हैं एकदम हम चेंज अपने अंदर लेके आते। मुझे बताएं आप क्यों तब्दीली नहीं आई, आप एफडीए के चेयरमैन बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह 1% भी तब्दील, गाड़ी तब्दील हुई आपकी? गाड़ी मेरे पास वही है। कौन सी गाड़ी? खैबर गाड़ी है मेरे पास। वाह वाह, 86125 है। और मैं ये कोई ऐसी बात नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, फिरते भी हैं, मैं फिरता भी हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप पहली बार एमपीए? जी मैं पहली दफा एमपी हूँ, लेकिन मैंने यूनियन काउंसिल से बतौर नुमाइंदा 2001 और 2005 में मैंने 2 दफा यूनियन काउंसिल इलेक्शन भी जीता है बतौर नाज़िम। और एडे सादा इंसान ने कि जो एफडीए के दफ्तर जाते चौकीदार कह रहे होंगे ने अद्धे अद्धे पैसे पा के चाह मंगाई। फ्यूचर की झलक जिसमें नजर आती है, काट लेते हैं इश्तेहार वो अखबारों से। कोई हमाम हो चौराहा के सोशल मीडिया, लोग लड़ते हैं हुकूमत के तरफदारों से। डिशुम डिशुम आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बिनेश ये बताएं कैसी लगी आपको इनकी बातें? इनकी बातें 100% साफ है, यकीन आया इनकी बातों पे? तो मुझे लगता है कि इनके दिल में बहुत एहसास है, दर्द है लोगों के लिए, आवाम। लेकिन जितनी आप प्यारी हैं, हाय हाय की सोटी मार दी तेने कोई पूछ लेगा हाय की ये आपने हाय क्या किया? इसलिए किया इन्हें सुबह तक किसी ने निकाला, उन्होंने कहते इतना आधा घंटा लाया तैयारी। ये आपका किस किस्म का हाय निकला? रूटीन की बात पे मेरा हाय नहीं, रूटीन की बात लेकिन जितनी आप प्यारी हैं माशाल्लाह, तो कभी सोचा कि आप जिसे शादी करेंगी आपसे प्यारा हो या कम प्यारा हो आपसे? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझसे प्यारा हो, मुझे पता है मुझसे प्यारा नहीं है। अच्छा प्यारा नहीं है, लव लिया कोई? मैं बस मजाक कर रही हूँ। जब ये है कि सोचा नहीं है कि प्यारा, मैं नॉर्मल भी अच्छा होता। अच्छा कैसा होना चाहिए वैसे आप? 2000 मिकाल जैसे दिखते हो? मिकाल का तो काल पड़ा हुआ है, मुझे मिकाल नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मतलब डिसेंट हो, मतलब पहनने की तमीज हो और बोलने की तमीज हो। मिकाल की तरह कह देना कि आप जैसा हो तो मैंने बनावे, बल्कि वजीर आजम बनावे। मिकाल उनका रेफरेंस पॉइंट है कि उन्हीं की तरह डिसेंट हो, उन्हीं की तरह दिखता हो, उन्हीं की तरह लगता हो। नहीं दिखता ना हो बेशक। अच्छा तो फिर क्या पर्सनालिटी वाइज बात कर रही हूं? नहीं मिकाल को छोड़े, ये जमाल जो बैठा सामने आप छोड़ें, आप बताएं कि जो आपने सोचा हुआ है उसमें ये बैठते हैं फिट के नहीं? ये बहुत डिसेंट है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। अच्छा वैसे आपने एक्टिंग भी करनी थी? हाँ, एक्टिंग का मौका मिला आपको? एक्टिंग का मौका मतलब मिला था, लेकिन मैं उस प्लेटफॉर्म पे करना चाह रही हूँ जहाँ पर मतलब मैं देखूँ कि मैं खुद को मतलब देख सकती हूँ आने वाले दौर में अच्छी। आप शीशे के सामने खड़े करना चाह रही हैं? नहीं मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म भी एक होता है। अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा होता है जहाँ पर मतलब आपको एक्ट करने का बोलने का अच्छा मतलब चांस मिले? ये नहीं कि आप सिर्फ नजर आए, अगर आप जा रहे हैं ऑन स्क्रीन तो आप अपनी फिर पूरी क्वालिटीज लेकर जाएं कि भाई आप में यही सारा टैलेंट है, आप ये सब कर सकते हैं। वो मुझे नई चीजें मतलब अट्रैक्ट करती हैं जिसमें आप सिर्फ स्क्रीन के सामने खड़े और आपने सिर्फ देखना, एक्सप्रेशन देने, अंदाज से। अच्छा कौन सा ऐसा ड्रामा जिसमें आपको लगता था इधर मुझे हीरोइन होना चाहिए था? ये दिल मेरा अभी पिछले दिनों गुजरा है। मिकाल का नहीं, ये दिल मेरा वो तो मेरे पास है ना। और उसके अलावा भी जैसे मतलब एक आधी मूवी भी है, वो कौन सी? परे हट लव वगैरह। परे हट लव के अंदर आप माया अली का जो कैरेक्टर था, exactly, वो आपके ख्याल में आप कर सकती थी? exactly, शेरयान मुनव्वर के साथ एक्टिंग करते हो। लतीफ साहब आपको को भी कोई शौक है फुरून लतीफा का? जी बस ये अब तो क्योंकि वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता था तब ड्रामे बड़े देखे हैं। ड्रामे बड़े देखे हैं? किसके फैन थे? तौकीर नासर साहब, फिर वो फिरदौस जमाल थे। फिरदौस जमाल साहब अच्छे अच्छे ड्रामे होते थे इनके। फिर इनका एक उस वक्त वारस ड्रामा लगता होता था, उस वक्त मैं कहता हूँ बिल्कुल गलियों में सन्नाटा हो जाता था। बिल्कुल वो की पिस्तौल लगे फिरते। अरे नहीं, वारिस एक बड़ा आइकॉनिक ड्रामा है पाकिस्तान का, उसके अंदर ये हुआ करता था। वैसे लावारिस इनको क्या पता, मगर अच्छा तो यानी कि फिरदौस साहब तौकीर नासर साहब के आप मदार रहे हैं। हाँ। और खवातीन में हमारी आज भी वो मेरे ख्याल बुशरा अंसारी बड़े, बुशरा अंसारी साहब, उज्मा गिलानी होती, बड़ा अच्छे ड्रामे होते थे इनके। अच्छा तो उस वक्त देखते थे, उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया? अभी मैं समझता हूँ देख, कभी इतफाक हो थोड़ा बहुत देख लिया, कभी आप जब हम एमपीए बने तो यहाँ आके एक थिएटर देखने का इतफाक हुआ। अच्छा बल्कि बड़ा एक दिलचस्प वाक्य है, तो हमारे एक कोलीग फैसलाबाद से थे, तो वो आपके थे वो स्टेज पे, तो उन्होंने हमें पहचान लिया। अच्छा
तो वो उन्होंने हमें जुक्ते मारने शुरू कर दी ऊपर बैठे बैठे। अच्छा तो तुम्हें मारनी शुरू कर दी? डेफिनेट हमने तो करना था, लेकिन वो हमारे कुलीग हैं तो एकदम पीछे से उन्होंने आवाज दी, वो कहते यार सानू एवं ना समझो अभी भी 60-60 हज़ार बंदे गेड़ा दे के आए। अच्छा वैसे आपस में चले यहाँ तो आप घबराते हैं, आपस में आप लोग करते हैं पॉलिटिशियंस आपस में मजाक शजाक किस तरह का? बहुत ज्यादा करते हैं। फैसलाबाद वाले जो आपस में बैठ के, आपने राणा सनावला को जुगत मार दी, राणा सनावला ने फारूक हबीब को जुगत मार दी, नहीं मेरा ख्याल, और आगे फिर तीनों ने मिल के आगे से शेख साहब को जुगत मार दी। एक्चुअली ऐसा है कि वो सनावला साहब से तो नहीं अभी कभी इस लेवल की हमारी फ्रेंकनेस नहीं है, लेकिन असेंबली में जब जाते हैं तो फैसलाबाद के खाओ नून लीग से हो पीपल्स पार्टी से हो जब हम बैठे होते हैं जुगते लगते हैं, जुगते चल रही होती है। यूट्यूब पे नहीं छोड़ते की गल? Good are you? You know, last night I was thinking about life is a one-way traffic. One-way traffic. भई ये हर बंदे ने मेहनत करनी है, कुमाई करनी है, बच्चे पालने ने। But जे ये खिदमत खुलक शामिल हो जावे, so you will feel free. जिंदगी आसान हो सकती है। अच्छा। देखो ना आजकल मुताले दे बारे लोकी कहंदे ने भी जिन्ना मुताला लोकां दा अच्छा होएगा उन्ने ही मुल्क तरक्की करेगा। जी। So, मैं एक घर दे विच गया, उत्थे इन्नी वड्डी लाइब्रेरी बुकां पईआं ने, बड़ियां कीमती बुकां पईआं ने, बट उत्थे एक माई ते बाबा रहिंदे ने, बच्चे उन्हां दे किधरे गए ने। ठीक है। ते मैं कहा ना किताबां दा तुहानूं ते फायदा ही कोई नहीं, एक तुसीं मैनूं दे दिओ, मैं किधरे जाके ते ओल्ड बुक शॉप बना लवां, ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਖੁਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਤੀਆਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, 4 times 15,000 ਦੀਆਂ ਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 9,000 ਦੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ 15,000 ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਦੋ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਗਿਵ ਮੀ 15,000, ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ? ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਬਚ? ਆਪਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ 15? ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਮਾਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਮਨੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਆ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਓ, ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ? ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੜ੍ਹਾ MBA ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। This is a good guy. ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਏ? 15,000. Did you see that? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, MPA ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, I love Pakistan, I love Imran Khan, library mein banwa deo, o kare a minnatan teriyan kare mein paar laga le re, kare a minnatan teriyan kare minnatan te, e unhone bhi nahi kiya, kisi wajah naal nahi kiya si unhone, लेकिन उधर भी कुछ नहीं हुआ निकलने। चलो कोई गल नहीं, पाइन को वापस ही कराया। हाँ चलो कोई गल नहीं, पाइन जिंदगी जिंदा जी का नाम है। सिंगर वेख लो, अपने आप नो वेख लो,
ਭੁੱਖੇ ਸ਼ਦਾਈ ਐਰਮੂ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿੱਕਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਐਰਮੂ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਡੀ ਵਾਲਾ ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਰ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਖੈਬਰ ਦਾ ਗੇਰ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੋਡ ਪੈਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ ਘੜਿਆ ਮਿੰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤਾਂ ਘੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਵੀ ਆਇਆ ਸ਼ੀਟ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਗਾਇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੈਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕੀ ਟੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਫੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ बिनेश ये बताएं आप वोट डालती हैं नहीं क्यों नहीं मैंने अभी तक किसी को वोट नहीं दिया किसका इंतजार कर रही हैं अभी नहीं तो दोबारा जब इमरान साहब आएंगे ना तो फिर उनको दोबारा इमरान साहब आएंगे आपको कैसे पता है कि उन्होंने आने मुझे गैब का इल्म आपको गैब का इल्म है तो आपको गैब के इल्म में और क्या क्या पता चला कि मैं पाकिस्तान की यंगेस्ट डायरेक्टर बनने वाली हूँ किस चीज की डायरेक्टर फिल्म फिल्म तो कोई आप इस पे काम कर रही हैं हाँ क्या? मैं डिग्री कर रही हूँ फिल्म एंड टीवी में और इसके अलावा मतलब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ असिस्ट कर रही हूँ किसको असिस्ट कर रही हैं कासिम अली मुरीद को कासिम अली मुरीद को टच बटन के जो डायरेक्टर हैं एक्चुअली आप डायरेक्टर बनना चाहती हैं एक्टर बोथ क्यों अपॉर्चुनिटीज क्यों छोड़ी जाए जब मिलती है तो ग्रैब करें उसे अच्छा दोनों काम करें मैंने अभी पीछे अपना एक गाना लॉन्च किया प्रोड्यूस किया मैंने और इसमें लीड कैरेक्टर भी मैंने किया प्रोड्यूस भी मैंने ही किया है मतलब कि आप अपने अंदर औरतों की हमायूं से ठहरी हैं मगर आपने कहा कि आप वोट अगली बार डालेंगी हाँ कोई खास वजह थी इस बार ना डालने की मुझे इतना पता है कि लास्ट टाइम भी उनको गिराने वाले बहुत है इस बार उससे ज्यादा होंगे उनको गिराने वाले तो मुझे पता है इस बार मैंने उन्हें वोट देना है इस बार आपने वोट देना है जब बहुत ज्यादा गिराने वाले हों वैसे आप खुश हैं इनकी हुकूमत से सही चल रहा है सही कोई मसला मसाइल तो नहीं है बिल्कुल फिट चल रहा है असली बंदा पाकिस्तान च लब रहे जेड़ा खोशक है ये है रेवान रेवान 2 3 4 यार एम्बुलेंस तो पुलिस से फर्क ही कोई नहीं रहेगा यार 24 घंटे सर्विस भाई मैं आज 5 बजे मैं नॉट फीलिंग वेल डन दी दरखास्त दीती है वेल डन इज नॉट फीलिंग वेल हां मैं दरखास्त दीती है मैं थोड़ी देर रेस्ट चाहिए अच्छा वो मैं दरखास्त दीती है अफसर की मेहरबानी मैंने उन्होंने छुट्टी दे दी थी ठीक है आ घर पहुंचे आ बुजदार साहब दी कार ओए ओए किसे वेले ते सुकून लेने दियो ना जी ना मेनू कहदा ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल ओए ओए बजे आ फिर मैं ठीक है रात विच मैंने मैसेज कितने किथे तीसरी बारी मैसेज कितने किथे ओ मैं कह सर होया की खैर ते है वे ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਨਾਲ ਗੱਪ ਛੱਪ ਲਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਐਮ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਲਾ ਪਟਿਆ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਲੱਭਿਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਐਮ ਹੋ ਭਾਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੋਨ ਹੈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ ਘਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਹੱਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੂੰ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਤੀਫ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ
लतीफ नजर साहब गौर से देखो, एम पी ए कही देखो पुत्र शरीफ आदमी। अच्छा मैं कहना सर अपने इलाके दे विच कई बार अपने इलाके दे बंदे पुछ रहे होंगे कि यार एम पी ए नूं मिलना किवें मिला, अपने आप नूं फिर मिलदे ने शीशे दे सामने, हल्के दे बंदे नूं कह रहे होंगे ने कि यार थाने मेरी जमानत ते देखे नहीं यार सियासतदान पता नहीं है ने कि नहीं है ने आई डोंट नो, लेकिन इंसान बड़े वड्डे है ग्रेट। पहली बार इलेक्शन लड़िया ते ठा जिते पुछो क्यों क्यों यार मैनूं की पता यार मैं उत्थे यार मैं पूरे पाकिस्तान ड्यूटी करी एक एक बंदे दे नाल मैं पता बस अपनी नेक नीति दी वजह से खानदान ही ऐसा कमाल आउटस्टैंडिंग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बनाई ही नहीं सारा खा गए मतलब जो कमाई और सर थोड़ी तबीयत क्या पहली बार आए ने ते आओ मैं तुम्हें छड आवा चले जाओ अजकल मोटरवे ते चलान बड़े होंगे ना डरते ने दूजी बारी भी आना है थोड़ा रखे मैडम बीनश नु बुलाया जे सर मेरे फेवरेट मॉडल है मुझे अंदाजा लेकिन पहली बारी तुहाडी फोटो बननी है फोटो तुहाडी बनी नैब नूं ट्रांसफर हो असल इन्हां ने उत्थे तक पहुंचना साडी लोड़ नहीं थैंक यू जी शुक्रिया शुक्रिया अजकल नैब जी है ना जी हर बंदे दे बारे पूछ रही अच्छा हूँ देखो ना ऐस बंदे का कोई ताल्लुक है सियासत में नहीं नहीं पूछा नैब वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी तो किससे आगाज करें 2020 का और आपकी तरफ इशारा कर दिया खातून ने तो लतीफ साहब आपसे स्टार्ट करेंगे हम ये बताएं लतीफ साहब आधी रात का वक्त है शदीद बोरियत का आलम है फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है वो एक कॉल अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी और राणा सनाउल्ला तलाल को कर लें तलाल को कर लेते हैं ठीक है ये बताइए चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं दो सीटें हैं एक अपनी है दूसरी भी किसी और को लेके जा सकते हैं लेकिन जिस शख्स को आप चांद पर लेके जाएंगे वो वहीं रह जाएगा आप अलबत्ता वापस आ जाएंगे तो किसको चांद पर छोड़ना चाहते हैं आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब फैजल हसन चौहान फिरदौस को फिरदौस साहिबा आपको चांद पे छोड़ना चाहते हैं ठीक है ये बताइए सर मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस फ्रेम के अंदर आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी इन दोनों से बाहर नहीं जा सकते फिर तो आसिफ जरदारी बेहतर आसिफ जरदारी ठीक है ये बताएं सर डूबती कश्ती में सवार हैं दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं एक आपकी अपनी है दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और बीनिश मंजूर बीनिश मंजूर मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ तो मैं फिर उस्मान बुज़दार उस्मान बुज़दार बीनिश मंजूर को आप नहीं जानते वो कौन है आई वाज लाइक मुझे जैकेट मिल रही है अच्छा नहीं जी हमें उनको ही दूंगा इनको कोई ना कोई और दे देगा ठीक है बुज़दार साहब को ले गए हैं बीनिश मंजूर को नहीं मिली जी बीनिश तैयार हैं आप जी बीनिश ये बताइए किसी एक को आपने इंस्टाग्राम पे ओपनली फॉलो करना है किसी एक को सीक्रेटली फॉलो करना है और किसी एक को आप देखते ही ब्लॉक कर देंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमायूं सईद जनाब अली जफर और जनाब फहद मुस्तफ़ा तो ये बताएं कि किसको आप ओपनली फॉलो करेंगी हुमायूं सईद को मैं ओपनली सीक्रेटली किसको फॉलो करना चाहेंगी अली जफर और किन को देखते ही ब्लॉक कर रही हैं आप ऑप्शन एक ही है पीछे कौन नाम क्या था आप बताइए मैं भूल चुकी हूँ फहद मुस्तफ़ा I'm so sorry फहद मुस्तफ़ा को आप ब्लॉक कर देंगी ठीक है ऑप्शन नहीं है पीछे कोई मसला नहीं है ठीक है ये बताइए आपको एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगानी है रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह कायम अली शाह क्योंकि बस कायम अली शाह ठीक है जी कायम अली शाह साहब की तस्वीर देखना चाहती हैं आप ये बताइए टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं दो वीआईपी पास हैं एक अपना है दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शहबाज शरीफ बुज़दार साहब को ले जाएंगे पता नहीं मुझे हमें भेजना चाहते हो और कोई ऑप्शन नहीं है नहीं आप चाहें तो जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं उस्मान बुज़दार
आप भी चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, दो आपके पास सीट्स हैं, एक अपनी दूसरी किसी और, हाँ किसी और को साथ लेके जा सकती है स्पेस रॉकेट पे अपने साथ। जिनको चांद पर लेके जाएंगी वो शख्स वापस नहीं आ पाएगा, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ऑन अली खान और जनाब लतीफ साहब। मैं दोनों को ही नहीं जानती। दोनों को जानती हैं? नहीं, एक्चुअली मैं इनको नहीं लेके जाऊंगी। आप इनको नहीं लेके जाएंगी? तो ऑन अली खान को, ऑन अली खान को जानती हैं आप? नहीं। नाम अच्छा है। एक्चुअली ही इज राइट, एक्चुअली ही इज राइट, ये नाम अच्छा है, नाम अच्छा है, लेकिन ऑन अली खान को आप नहीं जानती? मैं जानती नहीं हूं। ठीक है, पछताएंगी वैसे। ठीक है, वैसे नाम से क्या लग रहे हैं ये? तो लतीफ नजर साहब तो पॉलिटिशियन है। एक्चुअली मैंने बदला लिया है ना इनसे। नहीं नहीं, इन्होंने मुझे लाइफ जैकेट नहीं दी थी। आपने इनको बचा लिया, आपने दूसरे बंदे को चांद पे छोड़ दिया। मगर वैसे ऑन अली खान के बारे में क्या लगता है, नाम से कौन होंगे? बिजनेसमैन। हाँ जी, ये तबले किराए दे देंगे। ये बताइए मैडम के डूबती कश्ती में हैं आप सवार, दो लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक आपकी अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान खान और जनाब मिकाल जुल्फिकार। इमरान खान। लतीफ मदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बीनिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर आ जाए फिर।